इस वेले असी अमृतसर के सुल्तान रोड से खड़े हाँ और मंजर दिखा दें तू जिथे कि एक बिल्डिंग जिहड़ी कि वह ढहाई गई कारपोरेशन वालों आख्या जा रहा भी ये बिल्डिंग जिहड़ी कि वह इलीगल सी। तो उस तो बाद ढहाया जाता है अफरा तफरी और जिहड़ियां बिजली दी तारा ने वह जिहड़ी कि इत्थे नाल लगदे होस्पिटल सरदार मेहर सिंह होस्पिटल के नाल लग जांदियां ने। मैं तुहानूं कैमरामैन नूं कहांगा बिल्कुल क्लोजअप दिखावे वो तारा का जिहड़े कि हाई वोल्टेज तारा सीगियां तो जदों ये बिल्डिंग नाल लगदियां ने तो सारा करंट जिहड़ा कि इस बिल्डिंग विच इस होस्पिटल विच दौड़ जांदा। तो उस तो बाद लगातार हफरा तफरी का माहौल हो जाता है और आप तुसीं देख सकते हो हाई वोल्टेज की तार है इस विच करंट है और किसी भी समय जिहड़ी कि वड्डी अणगहली जिहड़ी है उसका शिकार हो सकते हैं लोग क्योंकि अफरा तफरी जिहड़ा कि इत्थे इलीगल कंस्ट्रक्शन जिहड़ी ढहाई जाती है पर उस दे तहत जो हालात बने हुए ने होस्पिटल विच ते लगातार मरीजों नूं दिक्कत हो रही सी और काफ़ी समय तो जिहड़ी कि वह बिजली सप्लाई भी जिहड़ी कि बंद कर दी गई सी। तां होस्पिटल वल्लों हुण जिहड़ा कि वह जनरेटर चलाया गया प्राइवेट तौर पर जिहड़ी कि वह क्योंकि लगातार जिहड़े कि मरीज़ ने वो परेशान हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो नाल जिहड़ी कि हाई टेंशन तारा होस्पिटल के नाल लग रही सीगियां क्योंकि बीते कल काफ़ी ज़्यादा मीह जिहड़ा पिया वा तो कंधा जिहड़ी कि गिलियां ने तो जिहड़ी तार जिहड़ी लगी सी नाल उस तो बाद सारा करंट जिहड़ा कि इत्थे होस्पिटल विच जिहड़ा कि वह दौड़ आया सीगा। तां काफ़ी ज़्यादा हफरा तफरी मची हुई सीगी मरीजों विच भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सहम दा माहौल बन गया सीगा। तां डॉक्टर नाल भी गल कर लैंदे आ भी उन्हां दा इस बारे की आखना है तो होस्पिटल के डॉक्टर इतने मौजूद ने गलबात कर लें मैम की होया कि इतने जो इतने बिल्डिंग हटाई गई है उस तो बाद की होया सर सब तो जी हाई वोल्टेज तार सी जी कि मेन सारे एरिए सप्लाई करती है वो इन्होंने तार तोड़ता थले पेशेंट खड़े सके पेशेंट बेहोश होकर डिग पे असी पेशेंट्स बचाने अंदर खिच खिच के लैके आए छोटे छोटे बच्चे मावां दे हाथ सीगे ऑपरेशन चल रहे थे सारा कुछ तहश नहश हो गया तो एकदम लोग बेहोश होकर डिग पे ऑपरेशन भी असी बैटरियां दे नाल कीते उस वेले देखो ऑर्गनाइजेशन आ गई पेशेंट्स पानी पिलाने वास्ते तो इन्ना ज़्यादा तो ये लोग सारे एकदम दौड़ गए बगैर ये परवाह किए कि थले कोई कित अग तो नहीं लग रही वो भी असी अपने प्राइवेट बंदे बुला के तो साइड से तारा कीतियाँ ता कि किसी को अग ना लगे तो जानी नुकसान ना हो थले बाइक खड़े सके उन्होंने भी अग लग सकती सी। बिल्डिंग जी डिमोलिश कौन करने वास्ते कौन महकमा आया जी कारपोरेशन से बिल्डिंग इलीगल बनी हुई नहीं जी इलीगल क्यों बनी हुई है बकायदा सारा जमीन का खरीदा गया सारे नोटिस देंगे नोटिस दे के तो फिर वो अकॉर्डिंगली जो भी कार्रवाई करते थोड़ा बिजली दी तारा का ध्यान रखते हुए ताकि जेडे हॉस्पिटल है नाल काम कर रहे हैं वह तो ना नुकसान सहता वो तो जो इन्हों की कार्रवाई है वो अपनी करन उन्होंने मैटर है। बिजली सप्लाई बंद की गई कार्रवाई तो पहला नहीं नहीं बिजली की तार टुटी है भाजी सडनली आके थले सप्लाई बंद नहीं की गई तो सडनली टुट गई तार निकलना है तारा बंब वजा बहुत जोर दी बंब वजा लोग चीका मार के दौड़े बाहर नूं प्राइवेट तौर पर सारा कुछ इंतजाम करके तो हमने किया ना कि मरीजों का नुकसान ना होए। देखो भाजी साडा हस्पताल इदा का जो कोविड के कल्ले खड़े से इस एरिए अज भी असी कल्ले ही अपना प्राइवेट इंतजाम करके मरीजों का असी नुकसान नहीं हो देंगे साडा ये असूल है कि बड़े नॉमिनल चार्जिस से लोगों का ट्रीटमेंट करो तो कोई भी नुकसान मरीज के सिर पर नहीं जाना चाहिए। कह रहे हो बिल्डिंग जो ढहाई गई है तारा डिगी कोई नुकसान तो नहीं हो भाजी नुकसान बीजी एक भी होश होकर डिग पे असी उन्होंने फटाफट चुक के तो अंदर लटाया किया मेडिसिन मेडिकेशन की तो फिर वो थोड़ा जिहा सैटल डाउन होए छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न सीगे उची उची चीका मारन लग पे सारे बिजली विभाग ने सूचित किया असी करता जी सूचित असी अपने तौर पर करके आए हैं टीमां तो सारियां एकदम सडनली दौड़ ही गई पता भी नहीं लगन दिता उन्होंने कि कितने गए जाती उन्हों का फर्ज सगा कि रुक दे कोई नुकसान होया उन्हें ठीक कर दे जल्दी बिजली महकमे में बुला लोगों नूं थोड़ा जिहा सैटल डाउन कर दे बिजली दियां तारां बंद कर दे सप्लाई बंद कर दे तो फिर उस तो बाद सानू कोई इंटीमेशन नहीं दिती असीं तां अपनी ओपीडी कर रहे सीगे नहीं जी तो रेजिडेंशियल का बन रहा सीगा ना बिल्डिंग तो थोड़ी कुछ चीज़ां पुरानियां बनिया हुई सीगियां तो एक कुछ रेजिडेंशियल एरिया बनता पिया है। बिल्कुल जी होस्पिटल विच लगातार जिहड़ी कि अफरा तफरी का माहौल बने हुआ सीगा क्योंकि एकदम जो कार्रवाई की जाती है क्योंकि जो भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ढहानी होंगी है तो पहला बिजली सप्लाई जिहड़ी कि वह बंद की जाती है पर इस मामले में बिजली सप्लाई जिहड़ी कि वह बंद नहीं की गई जिहड़ी कि हाई टेंशन दी तारां सीगियां वह
टुट के हेठां डिग पईआं ते कुछ तारां जिहड़ी कि होस्पिटल की कंध दे नाल जा लगियां, जिस तों बाद सारे होस्पिटल विच बिल्डिंग विच करंट आ जांदा है ते हफड़ा तफड़ी का माहौल बन जाता है, जिस तों बाद कई मरीज़ बेहोश भी होए ने। तो डॉक्टर का यही आखना है भी जेकर कोई कार्रवाई करनी सी तां प्रोपर वे ना की जाती, हफड़ा तफड़ी विच जिहड़ी कार्रवाई की गई है उस तों बाद वड्डा नुकसान जिहड़ा कि वह हो सकता सीगा। तो तारा जिहड़ी कि वह फिलहाल साइड से करवाईआं गईआं ने, बिल्डिंग में जिहड़ी कि हुण लाइट तुसीं देख सकते हो, लाइट चल रही, पक्के चल रहे हैं, ये जिहड़ा कि जनरेटर नाल चल रहे हैं, तुसीं देख सकते हो जिहड़ी कि हुण बिजली सप्लाई जिहड़ी बहाल की गई है, ये जनरेटर होस्पिटल का अपना जनरेटर है उस तों सप्लाई की गई है, जबकि हुण जिहड़ी कि बिजली विभाग जिहड़ा कि उस दी बिजली सप्लाई जिहड़ी बंद है क्योंकि कार्रवाई की गई है, पर वो जो नॉर्म्स ने वो फॉलो नहीं किए गए, जिस तों बाद वड्डा हादसा होने तो टल गया है। कैमरा परसन विपिन शर्मा ना सिकंदर पासरीचा, दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर।